गाइस, आज मैं गिव अवे करने वाला हूँ मेरे कुछ पुराने क्यूब्स का। तो इनमें से एक क्यूब हो सकता है आपका। कैसे, ये जानने के लिए मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। गिव अवे से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि एज ए क्यूबर आपको पता होनी चाहिए क्यूब को कैसे डिसअसेंबल करते हैं। जो भी एक साइड है उसको 45 डिग्री पे करके, जो एज है उसको थोड़ा सा टिल्ट करके बाहर खींचो। हमेशा एज ही पहले निकालो, आपको कॉर्नर पहले नहीं निकालना है जब भी आप क्यूब डिसअसेंबल करें। अगर आप कॉर्नर को निकालोगे तो शायद से टूट सकता है। मैंने रिसेंटली एक यूट्यूबर ने किया था, कॉर्नर पहले निकालता और टूट गया। कॉर्नर यहाँ पे थोड़ा वीक होता है इस साइड जगह पे, तो अगर आप कॉर्नर पहले निकालने की कोशिश करोगे शायद से निकल भी जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो टूटने के चांसेस बहुत होते हैं, तो ऐसा कभी मत करो। अगर आपका ऐसे इस मेथड से नहीं निकल रहा हो तो शायद से आपको स्क्रू लूज़ करने की ज़रूरत है। सेंटर पीस की कैप निकाल के वहाँ पे जो स्क्रू है उसको थोड़ा लूज़ करो, और लूज़ करने के बाद आपका जो एज है वो अपने आप निकल जाएगा। क्यूब को जब आप लुब्रिकेट करने जाओगे तो आप इस एज और कॉर्नर पीस के जो कॉन्टैक्ट में पार्ट होता है, जो ए पार्ट आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट में है, इसको लुब्रिकेट नहीं करना है। एक्चुअल में ये पार्ट कांटेक्ट में नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो क्यूब के जो पीसेस है, कॉर्नर पीस और एज पीस, इनके जो नीचे का जो बेस पार्ट है वो एक्चुअल में फ्रिक्शन करता है, वो एक्चुअल में कांटेक्ट में होता है। तो हमें यहाँ पे लुब्रिकेट करना है, ना कि यहाँ पे। तो क्यूब को जब असेंबल हो, क्यूब को खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको लुब्रिकेट करने के लिए। आप ऑयल से लुब्रिकेट नहीं करना है, कोई भी ब्रांडेड लूब या फिर लियोन हेयर ऑयल से आप लुब्रिकेट कर सकते हो। सिर्फ क्यूब को पकड़ना है, थोड़ा कॉर्नर पीस को खींच के स्ट्रेच करना है, और बीच में दो बूंद डालनी है, दो ड्रॉप डालने हैं, और अपोजिट साइड में फिर से दो ड्रॉप डालने हैं, और आपका क्यूब लुब्रिकेट हो जाएगा। ये वेलॉन GTS V1 वाइट बेस, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पहले जब मैंने इसे मैग्नेटाइज किया था। उसके बाद मैंने इससे मैग्नेट निकाल दिए, और इससे अच्छे मेरे पास बहुत सारे क्यूब है तो मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने इसे गिवअवे में रखा है। इसके बाद ये डायन का क्यूब है, डायन V5 Zhanxi 55 mm। ये मेरा पहला क्यूब था और मैंने इसे चाइनीज साइट से मंगवाया था, तब यहाँ पे क्यूब नहीं मिल रहा था, क्यूब लेवल भी नहीं था शायद से उस टाइम पे। ये 55 mm का है तो 1 हैंड के लिए क्यूब अच्छा था, लेकिन मैं 1 हैंड के लिए भी अभी 56 का ही क्यूब यूज़ करता हूँ, तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है क्योंकि डायन आउटडेटेड हो गया है। नए क्यूब आए डायन के, मैग्नेटिक भी आया है, इसलिए इस क्यूब को मैंने क्यूए के लिए निकाल के रखा है। तो ये क्यूब भी आपका हो सकता है। फिर ये चीक का वॉरियर क्यूब, चीक वॉरियर WA, मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, लगभग 120 से 130 रुपये का, बहुत सस्ता मिला था। लेकिन इसकी कॉर्नर कटिंग बहुत ख़राब है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता। वैसे ये नया ही क्यूब, लेकिन फिर भी मैंने इसे गिवअवे में रखा है ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए। और ये मिरर क्यूब, ये तो बहुत पुराना है, रफली बहुत रफ हो गया, और ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मिरर क्यूब में, तो मैंने इसे गिवअवे के लिए निकाल लिया। तो ये क्यूब भी आपका हो सकता है। और यह चीका M-loop, तो इनमें से कुछ एक आपका हो सकता है। मेरे कुछ सॉल्स देख लीजिए वेलॉन GTS V1 पे। जब ये क्यूब मार्केट में आया तो बहुत हिट हो गया था, लेकिन अभी इससे बेटर बहुत सारे क्यूब है, क्योंकि मेरा वाला क्यूब बहुत लॉक होता था तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैग्नेटिक बनाया था मैंने इसे, तब अच्छा परफॉर्मेंस था, फिर मैंने मैग्नेट MF3 RS में डाल दिए। तो गिवअवे में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना है। अगर आपका सजेशन मुझे अच्छा लगा तो शायद से इनमें से एक क्यूब आपका हो सकता है। और बेल आइकन भी क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब मैं गिवअवे का विनर अनाउंस करूँगा तब आपको जल्दी से पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब इस वीडियो पे 150 प्लस कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं गिवअवे का विनर अनाउंस करूँगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि
जल्दी से 150 कमेंट आ जाए और कोई क्यूब आपको मिल जाए। एक बात का ध्यान रखो, पर पर्सन एक ही कमेंट अलाउड है, एक से ज़्यादा कमेंट मत करो, तो शायद से मैं विनर ठीक से अनाउंस नहीं कर पाऊँगा या फिर आपको शायद से क्यूब ना मिल पाए।